गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव पर पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने कहा, लाल किले ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को देखा है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव पर पीएम मोदी ने 400 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के शौर्य को किया याद। कहा, उनके समय में देश में कट्टरता की तो आंधी चल रही थी, लेकिन वो चट्टान की तरह खड़े रहे। पीएम मोदी ने औरंगजेब के अत्याचारों को भी किया याद। कहा, औरंगजेब ने अनेकों शीश को धड़ से अलग किया था। पीएम मोदी ने कहा, आजाद भारत अमर खड़ा है, आगे बढ़ रहा है, अपने फैसले खुद करता है। जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक अब नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बुलडोजर पर रोक का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है, बाकी राज्यों के लिए आदेश नहीं हुआ जारी। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद के वकील दुष्यंत दवे की दलील। कहा, संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल बोले, दूसरे राज्यों में भी हो रही है बुलडोजर की कार्रवाई, एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल का कपिल सिब्बल को जवाब, खरगोन में 88 हिंदुओं और सिर्फ 26 मुस्लिम परिवारों पर हुआ एक्शन। जहांगीरपुरी में बुलडोजर को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस नेताओं को पुलिस से मिलने से रोका गया। पुलिस के रोकने पर भड़के अजय माकन। कहा, कानून बिन नोटिस आशियाना गिराने की नहीं देता इजाजत। टीएमसी सांसदों का डेलीगेशन शुक्रवार को जाएगा जहांगीरपुरी। काकोली घोष, शताब्दी रॉय समेत कई नेता होंगे शामिल। बुलडोजर की कार्रवाई से सीएम ममता बनर्जी नाराज। कहा, हम लोगों को बांटना नहीं, जोड़ना चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुलडोजर की कार्रवाई को धर्म आधारित बताया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देशभर में एनआरसी कानून लागू करने की मांग की। कहा, इस पर सड़क से संसद तक बहस होनी चाहिए। ऑपरेशन बुलडोजर पर बीजेपी का बयान। सांसद प्रवेश वर्मा बोले, घर घर जाकर हाथ में पकड़ाएंगे नोटिस। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस लेफ्ट को बताया पॉलिटिकल टूरिस्ट। कहा, बुलडोजर न रुका है न रुकेगा। दिल्ली दंगे पर बिना नाम लिए केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक। बोले, सारे देश में दंगे हो रहे, मेरी पार्टी को दंगे कराना नहीं आता। जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर बोली मायावती। कहा, देश विरोधी ताकतें उठा सकती हैं फायदा। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। कहा, मुसलमान सड़क पर आ गया तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी, नौजवान मुस्लिम कानून अपने हाथ में ले लेगा। तौकीर रजा ने कहा, जहांगीरपुरी में मुसलमानों ने जो किया अपने बचाव में किया, देश में बेईमानी हो रही है, पीएम चुप बैठे हैं। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में लगाए सीसीटीवी कैमरे, पुलिस मॉनिटरिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। क्राइम ब्रांच ने तेज की दिल्ली दंगे की जांच। मास्टरमाइंड अंसार समेत 9 आरोपियों के आमने सामने बैठा कर की पूछताछ। दंगे के दिन अंसार को फोन करके बुलाया गया था, फोन कॉल डिटेल की जांच कर रही है पुलिस। अंसार की बीएमडब्ल्यू वाली वायरल फोटो पर खुलासा। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के एक शख्स की थी बीएमडब्ल्यू, अंसार ने कब्जा कर बंगाल भिजवा दी थी कार। जहांगीरपुरी के दंगाइयों का बंगाल कनेक्शन। गिरफ्तार 10 से ज्यादा आरोपी बंगाल के। अंसार, असलम, सलीम, सोनू बंगाल के रहने वाले। शोभा यात्रा पर पथराव किए गए कई हार्डकोर गैंगस्टर शामिल थे। पुलिस को 20 गैंगस्टर्स की तलाश। जहांगीरपुरी दंगा केस में एक्शन में दिल्ली पुलिस। जांच के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल, डिटेल रिकॉर्ड की ले रही मदद। दंगे के आरोपियों के मोबाइल की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच। आईएफएसओ के पास भेजे गए मोबाइल, डिलीट डेटा को करेंगे रिस्टोर। एमपी के छतरपुर में कुख्यात अपराधियों के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। 15 लाख की सरकारी संपत्ति कब्जा मुक्त कराया। पप्पू राजा और अमर सिंह ने अवैध कब्जा कर बनाए थे मकान। दोनों हत्या और रेप समेत कई मामले में आरोपी। मध्य प्रदेश के खरगोन में 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में दी गई राहत। पुलिस के मुताबिक किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। हरियाणा के अंबाला कैंट में ड्रग्स तस्कर राजेश के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। सुलभ शौचालय की जमीन पर बनाया था मकान। लाउडस्पीकर विवाद पर एमएनएस का नया दाव। 3 मई को रिलीज होगी लाउडस्पीकर पर बनी मराठी फिल्म भोंगा अजान। 27 अप्रैल को होगी मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक। संसद भवन एनेक्सी में होगी मीटिंग। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। नई जिम्मेदारी दिए जाने की अटकलें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से लड़ेंगे चुनाव। विधायक कैलाश चंद्र गहटोरी ने दिया इस्तीफा। 10 जनपद पर बैठकों का सिलसिला जारी। सोनिया गांधी से जयराम रमेश, अंबिका सोनी और पी चिदम्बरम ने की मुलाकात। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री पर सोनिया गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कर रही हैं विचार। तारिक अनवर ने दी जानकारी। प्रशांत किशोर ने 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन तैयार किया। अब तक कांग्रेस के किसी नेता ने पूरी स्लाइड नहीं देखी। पंजाब सरकार पर बिफरे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब, 1 महीने में 40 लोगों की हुई हत्या। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम भगवंत मान को रबर की गुड़िया बताया। कहा, पंजाब की सरकार तो दिल्ली से चल रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी को बताया अलोकतांत्रिक। कहा, सच्चाई को कैद नहीं कर सकते पीएम। बंगलुरु में अरविंद केजरीवाल की रैली। बोले, दिल्ली पंजाब के बाद कर्नाटक में बनाएंगे सरकार। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किए कामों को गिनाया। कहा, अब दिल्ली के लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती है। हिमाचल के कांगड़ा में सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा। 23 अप्रैल को जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव के बयान पर शिवपाल का पलटवार। कहा, अगर उन्हें लगता है कि मैं उनके साथ नहीं हूं तो मुझे पार्टी से तुरंत निकाल दें।
रिटायर्ड आईएएस विजय कुमार देव बने दिल्ली के नए चुनाव आयुक्त। एलजी अनिल बैजल ने दिलाई शपथ। सिविल सर्विस डे पर अधिकारियों को पीएम मोदी की सलाह, कहा जन भागीदारी से देश का निर्माण राष्ट्र सर्वोपरि होगा, होना मंत्र। पीएम ने गिनाए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीन लक्ष्य। पहला, सामान्य लोगों के जीवन में आए बदलाव, वैश्विक संदर्भ के हिसाब से करें काम, देश की एकता और अखंडता जरूरी। एनआईए दिवस के कार्यक्रम में शामिल गृह मंत्री अमित शाह, कहा एनआईए ने आतंकवाद की कमर तोड़ी, रोकी टेरर फंडिंग। अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स की 30वीं वार्षिक बैठक। रक्षा मंत्री बोले भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी बेहद अहम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री से की मुलाकात, द्विपक्षीय और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा। बिजनेसमैन गौतम अडानी से मिले पीएम बोरिस जॉनसन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एनर्जी ट्रांजिशन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वडोदरा में पीएम जॉनसन ने बुलडोजर बनाने वाली जेसीबी की नई यूनिट का उद्घाटन किया, बुलडोजर भी चलाया। बोरिस जॉनसन ने इस साल के अंत तक भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पूरा होने की जताई उम्मीद, कहा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी हैं अवसर। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की स्थिति पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी कांग्रेस डेलीगेशन से की मुलाकात, यूक्रेन अफगानिस्तान समेत द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा। 25 अप्रैल से शुरू हो रहे रायसेना डायलॉग में होंगे 100 सेशंस, 90 देशों के 210 स्पीकर होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ को 9,240 करोड़ की 33 सड़क परियोजनाओं की सौगात, नितिन गडकरी बोले 5 साल में सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। पिछले 2 महीने में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से जुड़ी दुर्घटनाओं पर नितिन गडकरी ने जताई चिंता, जांच के लिए बनाई एक एक्सपर्ट कमेटी। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे से फिरौती मांगने के आरोप में रेणु शर्मा गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी में भेजा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक के खिलाफ 5,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस की कामयाबी, भामरागढ़ इलाके से 4 नक्सली गिरफ्तार। यूपी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार, पुलिस का दावा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव भी शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी पुलिस के दावे को किया खारिज, कहा गिरफ्तार शख्स मेरे साथ नहीं कर रहा था काम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर का टॉप कमांडर यूसुफ कांट्रो समेत 2 आतंकी ढेर। 2020 में हुई बीडीसी चेयरमैन की हत्या के पीछे था कांट्रो का हाथ। झारखंड के गिरिडीह में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर मुखिया प्रत्याशी शकीर हुसैन और 2 समर्थक गिरफ्तार, 10 पर FIR दर्ज। गुजरात के कांडला पोर्ट में ATS और DR की साझा कार्रवाई, करीब 3,000 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। सुप्रीम कोर्ट में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर 26 अप्रैल को सुनवाई, ड्रग्स मामले में FIR रद्द करने की मांग। कर्नाटक के हुबली पथराव मामले का कथित मास्टरमाइंड वसीम पठान हिरासत में, धर्म विशेष के लोगों को उकसाने का आरोप। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में भिड़ंत, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। सीएम योगी की गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक, आधुनिक और कुशल पुलिसिंग के लिए कर्मचारियों अधिकारियों को ट्रेनिंग पर दिया जोर। सीएम योगी का निर्देश, सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में उतरेंगे, 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित की गई। सीएम योगी का आदेश, अगले 100 दिन में STF अयोध्या यूनिट का गठन होगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस पर बोले LNJP हॉस्पिटल के MD डॉक्टर सुरेश कुमार, अभी भर्ती होने वालों की संख्या कम है, LNJP में 99% बेड्स खाली है। डॉक्टर सुरेश कुमार ने स्कूलों को बंद नहीं करने की दी सलाह, कहा टीका नहीं लगने तक 12 साल से कम आयु के बच्चों को है अधिक जोखिम। भारत ने थाईलैंड को दी कोविड वैक्सीन कोवोवैक्स की 2,00,000 डोज, क्वाड पहल के तहत की मदद। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक, NCR के अलावा लखनऊ में सार्वजनिक जगहों पर मास्क को बताया जरूरी। पंजाब सरकार ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की अपील। मार्च के आखिर से दुनिया भर में कोरोना केस में कमी जारी, WHO के मुताबिक पिछले सप्ताह लगभग 1/4 की कमी आई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मारियोपोल के स्टील प्लांट पर हमले के लिए नहीं दिए थे आदेश, रक्षा मंत्री से प्लांट की घेराबंदी करने को कहा। पुतिन ने बाकी मारियोपोल को यूक्रेन के कब्जे से आजाद होने का किया ऐलान, कहा प्लांट से एक मक्खी भी ना निकले बाहर। श्रीलंका में विपक्षी सांसदों ने संविधान में संशोधन का रखा प्रस्ताव, 1978 से लागू राष्ट्रपति प्रणाली खत्म करने की मांग। इमरान खान ने इशारों में पाकिस्तान आर्मी चीफ पर साधा निशाना, प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के लिए दोषी ठहराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आदेश, इमरान खान को फुल प्रूफ सुरक्षा दी जाए। भारत से 40,000 मेट्रिक टन डीजल श्रीलंका पहुंचा, 2 महीने में भारत ने 4,00,000 मेट्रिक टन ईंधन भेजा। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश का फैसला, भारत के साथ इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेस पर कर रहे हैं विचार। PLI योजना से 2,34,000 करोड़ रुपए का आया निवेश, 60,00,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में 137 MOU साइन, सीएम ममता बनर्जी बोली 3,00,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। US डॉलर के मुकाबले रुपए 15 पैसे मजबूत हुआ, 1 डॉलर की कीमत 76.15। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 875 और निफ्टी 257 अंक के उछाल के साथ बंद।
तमिलनाडु के चारों जोन में ओलंपिक ट्रेनिंग एकेडमी बनाएगी राज्य सरकार। सीएम एमके स्टालिन का विधानसभा में बयान। अमेजॉन प्राइम पर 27 मई की शाम को रिलीज हो सकती है KGF 2, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी। कियारा आडवाणी ने भूल भुलैया 2 से अपना पहला लुक शेयर किया। 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। ट्रोल होने के बाद तंबाकू ब्रांड के प्रचार से हटे अक्षय कुमार। फैंस से मांगी माफी, प्रचार के लिए मिले पैसे करेंगे दान। 6 मई को Z5 पर रिलीज होगी अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड। मार्च में सिनेमाघर में रिलीज हुई थी फिल्म। फिल्म मेरी क्रिसमस के सेट से कटरीना कैफ की फोटो वायरल। फोटो में पुलिस वाले के रूप में दिखी एक्ट्रेस राधिका सरत कुमार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच विपिन कौशिक की फिल्म लव इन यूक्रेन का दिखा पहला पोस्टर। फिल्म 27 मई को होगी रिलीज।